नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, लैपटॉप बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि लैपटॉप में इंटरनेट चलाने के कितने तरीके हैं और लैपटॉप में इंटरनेट चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बहुत से कम लोग होंगे जिसका इसका सही जवाब पता होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लैपटॉप में इंटरनेट कितने तरीकों से कनेक्ट करके चलाया जा सकता है और उसको मैं बिल्कुल लाइव करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा लैपटॉप है, ये हमारा मोबाइल है और इस मोबाइल में जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल के माध्यम से हम लैपटॉप में दो तरीके से इंटरनेट चला सकते हैं। पहले तो इसके वाईफाई से कनेक्ट करके मैं आपको इसमें इंटरनेट चला के दिखाऊंगा। दूसरा, आप देख पा रहे हैं जो यूएसबी केबल है उसके माध्यम से मैं मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट करके आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने एयरटेल कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है और ये राउटर है और इस राउटर में आप देख पा रहे हैं जो पीला वाला वायर दिख रहा है, ये इथरनेट इसको वायर बोलते हैं, इसके माध्यम से इंटरनेट कैसे हम चलाएंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो राउटर है इसके वाईफाई से भी आप सीधे कनेक्ट करके आप कैसे इंटरनेट चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा और बड़ा भाई है, इसको जो है वाईफाई जो है एडाप्टर बोलते हैं। अगर आपके लैपटॉप में अगर वाईफाई सही तरीके से काम नहीं करता है तो आप इसको जो है मार्केट से लगभग 150 से 200 रुपए के आसपास आती है, लेकिन अगर आप ब्रांडेड लेंगे तो कुछ महंगे भी आते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसको जो है डोंगल बोलते हैं और इसके अंदर जो है सिम ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाता है और सिम को लगाने के बाद जो है इसको जो है हम यहाँ पे यूएसबी पोर्ट में इसको कनेक्ट करके सीधे जो है लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। दोस्तों, कुछ महंगे जो है लैपटॉप आते हैं जिसमें आप जो है सिम भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे इस लैपटॉप में ऐसी सुविधा नहीं है, वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो अगर आप जो है सीधे अगर सिम के माध्यम से लैपटॉप में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आप जो इस डोंगल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं क्या क्या बताने वाला हूँ ये पूरी जानकारी मैंने आपको पहले बता दिया। वीडियो को पूरा देखने पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमारा लैपटॉप है और इस लैपटॉप में आप जानते ही हैं कि इंटरनेट चलाने के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को एक बार ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस को। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकते हैं नो इंटरनेट, कहने का मतलब हमारा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ और जैसे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है हमारे चैनल से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आप जो है मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको जो वाईफाई से पहला तरीका मैं बताता हूँ कि आप कनेक्ट करके कैसे आप जो है इंटरनेट चला। तो यहाँ पे टॉप से ड्रैग करना है और यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च जो सेटिंग है यहाँ पे आपको HOT हॉट लिखेंगे तो हॉटस्पॉट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देख पा रहे हैं हॉटस्पॉट आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप देख पा रहे हैं ये पोर्टेबल हॉटस्पॉट, यहाँ पे सिंपली इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पर इंटरनेट का जो आइकन मिला इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाईफाई हमारा क्लोज है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ऑन करूँगा तो इस मोबाइल का जो नाम जो है रेडमी नोट 9 है, तो मैं जैसे ऑन करूँगा तो रेडमी नोट 9 की इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो ये कनेक्ट दिया इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया, जैसे इस पर नेक्स्ट पे करेंगे तो ये हमारा जो कंप्यूटर जो है लैपटॉप के वाई, तो हमारा आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर जो है मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है और देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, हमारे चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक जो है फ्लैश हो चुका है। तो दोस्तों, यह तरीका है कि कैसे हम जो है अपने लैपटॉप को मोबाइल के हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तरीका नंबर दो की। इसको मैं दोस्तों यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको पुनः नो इंटरनेट आएगा। अभी आप देखिए आपको यहाँ पे पुनः नो इंटरनेट आएगा क्योंकि हमारा जो लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट है ही नहीं। आप देख पा रहे हैं नो इंटरनेट, पुनः वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से
मोबाइल को यूएसबी केबल से कनेक्ट करके आप जो है लैपटॉप में इंटरनेट कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, एक सिरा आपको यहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट कर देना है, दूसरा जो इसका जो सिरा है आपको यहाँ पे यूएसबी जो पोर्ट है यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू में देख पा रहे हैं चार्ज हो रहा है और आपको यहाँ से ट्रैक करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नो डेटा ट्रांसफ़र, हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। सिंपली आपको इस पर प्रेस कर देना है, इसको यहाँ पे टॉप से ड्रैग करना है, यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेथरिंग लिखना है, TETH। जैसे ही चार शब्द लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं USB टेथरिंग आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करना है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे USB टेथरिंग का ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है। सिंपली आप इस पर जैसे प्रेस करेंगे तो आपका जो है लैपटॉप ऑटोमेटिक इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं जैसे इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपको देखेंगे पुनः हमारा जो है लैपटॉप में इंटरनेट चलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये दो आसान तरीके रहे। अब चलिए हम बात करते हैं अगला जो दोस्तों जानते हैं कि तीसरा तरीका हम अपने लैपटॉप में इंटरनेट कैसे चलाएं। जैसा कि आप जानते हैं इसको वाईफाई एडाप्टर कहते हैं, और इस वाईफाई एडाप्टर से कैसे कनेक्ट करके आप इंटरनेट जो है अपने लैपटॉप में चलाएंगे। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो लैपटॉप का जो है वाईफाई सही तरीके से काम नहीं करता, उस केस में आपको इसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे वेब पेज ओपन है, अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे इस लैपटॉप में इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं है। दोस्तों मैं इससे कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक सेटिंग दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप जो है अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में, फिर उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएंगे, फिर उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो वाईफाई है ये हमारे लैपटॉप का वाईफाई यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, इसका नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 802 लिखा हुआ है, यही इन्फॉर्मेशन आएगा। और ये USB में हम कनेक्ट कर रहे हैं तो USB आएगा, 802 आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 802 आ रहा है और USB वायरलेस जो भी मैंने यहाँ पे लगाया है इसके माध्यम से हम इंटरनेट कनेक्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ से भी इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और पुनः यहाँ पे आपको जो वाईफाई यहाँ पे आपको ऑन कर देना है, तो आप देख पा रहे हैं वाईफाई यहाँ पे ऑन हो चुका है। फाइनली आपको जो है यहाँ पे वाईफाई 2 पे आपको सेलेक्ट करना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे दो सिग्नल हमारा शो कर रहा है, वाईफाई 1 और वाईफाई 2। तो आप देख पा रहे हैं वाईफाई 2 में जो हमने एडिशनल अभी जो USB वाईफाई जो एडाप्टर लगाया उसके इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसके बाद हमको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम अपने मोबाइल का जो हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, क्योंकि हॉटस्पॉट इसको मिल नहीं रहा है तो मैं आपके सामने यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। तो चूंकि हमारा इस मोबाइल में हॉटस्पॉट का नाम Redmi Note 9 है, तो जैसे मैं ऑन करूंगा तो Redmi Note 9 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी आएगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और जैसे इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे एक बार पुनः क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 9 आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो गया, वाईफाई जो मेन जो है इस लैपटॉप का वाईफाई है, दूसरा वाईफाई 2 जो हमने अलग से एडिशनल लगा रखा है। तो इस पर पुनः एक बार हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है लैपटॉप जो है जो एडिशनल हमने वाईफाई एडाप्टर लगाया उसके माध्यम से कनेक्ट होगा। मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया था तो मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। मैंने पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं अपना जो ये वेब ब्राउजर का जो होम पेज था इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कहने का मतलब हमारे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, और कनेक्शन का जो जरिया था जो माध्यम था ये वाईफाई एडाप्टर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वाईफाई जो हमारा एडाप्टर इसको मैं यहाँ किनारे रख देता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था उसका बड़ा भाई है डोंगल है, इसके अंदर आप सिम लगता है। आप दोस्तों यहाँ पे सिम लगा के आप जैसे इसको आप कनेक्ट करेंगे तो इसकी सेटिंग आती है, उसकी सेटिंग को आप सीधे जो है इसमें कनेक्ट करके आप जो है वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अगर मैं विंडो के साथ ई प्रेस करता हूँ, विंडो के साथ ई प्रेस करता हूँ, और दोस्तों मैं बिल्कुल आपको एक बार फिर से इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे दिस PC आप देख पा रहे हैं, दिस PC को मैंने ओपन कर दिया है, और इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ।
मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक आपको दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है अभी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सीडी ड्राइव और यहाँ पे इसका ये कनेक्शन है, जैसे हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका सेटअप आएगा, इस सेटअप को जैसे इंस्टॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो भी सिम इसके अंदर लगाए हैं उसके माध्यम से हम जो है वाईफाई इसके अंदर चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंस्टॉल करके इसका तरीका दिखाता हूँ, राइट क्लिक करना है और देख पा रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल दिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसकी सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिक जो है ये जो हार्डवेयर हमने यहाँ पे लगाया है इसको जो है हमारा जो लैपटॉप डिटेक्ट कर लेगा और इसके माध्यम से हम इंटरनेट चला सकते हैं। मैं इसका सेटअप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। फाइनली मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये बता दिया कि आप किस तरह से डोंगल से कनेक्ट करके आप जो है लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप राउटर का यूज़ करके आप जो है अपने लैपटॉप में इंटरनेट आप कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है एयरटेल कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको जो है ये जो हमारा वेब पेज है इसको ओपन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे दिखाना चाहेंगे लैपटॉप के अंदर पोर्ट होते हैं, आप देख पा रहे हैं ये हमारा यूएसबी पोर्ट है, ये भी हमारा यूएसबी पोर्ट है, ये आप देख रहे हैं एचडीएमआई पोर्ट है और ये हमारा जो है ईथरनेट कार्ड है, लैन कार्ड है, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड है। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये जो राउटर है इस राउटर से जो हमारा जो ईथरनेट का जो कार्ड है आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप कनेक्ट कर देंगे, मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो देख पा रहे हैं दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपके लैपटॉप में इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से डिसकनेक्ट कर देता हूँ और दोस्तों दूसरा जो तरीका है दोस्तों इस राउटर के माध्यम से इंटरनेट चलाने का, जो मैंने मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट किया था तो जो इस राउटर का नाम होगा बिल्कुल आपको वही तरीका यूज़ करना है और उस तरीके का यूज़ करके आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।